जी अस्सलाम वालेकुम। अभी क्या हाल है? आप भी ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आपकी वो सुबहरा लीला, तो प्लीज़ मुझे आपने लाइक नहीं की तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए माशाल्लाह मैं बनाने लगी हूँ आज पकौड़े हैं। माशाल्लाह ये देखिए मेरे आलू भी मैंने ये कर लिए थे, और ये देखिए माशाल्लाह आलू ऐसे किए थे। ये बेसन है, ये आटा है थोड़ा सा हल्का सा। तो ये देखिए माशाल्लाह इसमें डालूंगी मिर्चे। ये देखिए माशाल्लाह, ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखे माशाल्लाह, तो ये डालूंगी मिर्चे। ये देखे माशाल्लाह, तो ये सूखा धनिया है माशाल्लाह। तो आप देख सकते हैं ये पेस्ट है सूखे धनिया का। तो ये वाला नमक है, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये देखे माशाल्लाह, तो ये हल्की सी ये भी डालूंगी हल्दी। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा मुझे शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ये अदरक लहसुन और हरी मिर्चें और ये धनिया है, ये बिस्मिल्लाह हमारे। ये देखें इसमें डालूंगी ये भी, और माशाल्लाह बहुत प्यारे बनते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारे बनते हैं ये डालने से। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह। तो अब इसमें करूंगी ऐड, ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारे बनेंगे। आप भी ट्राई कीजिए कि माशाल्लाह। बच्चे कह रहे थे मामा पकोड़े बना के खिलाओ, तो ये देखिए माशाल्लाह मैं पकोड़े बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो ये देखिए माशाल्लाह हम टिक्कियाँ बना रहे हैं पकोड़े की, और पकोड़े हम निकाल रहे हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह, और कुछ निकल गए हैं, कुछ निकाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये देखिए अभी भी पड़ा है आटा। तो ये देखिए अभी भी ये बना है। तो प्लीज़ आपने ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। ये देखिए माशाल्लाह, और घी वगैरह भी, और रोटियां लगवाने जा रही है आमना। तो आमना ये देखें, मैं रोटियां लगवाने जा रही हूँ। देखें मेरी बहन पेड़े कर रही है, और हसनैन कासिम ये भाग रहे हैं, फिर रहे हैं। ये देखें अस्सलाम वालेकुम, सलाम कर हसनैन। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। तो ये देखिए बेड़े कर रहे हैं हम। हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ये देखो हम आज अंडा उबाल रहे हैं। मेरी मम्मा की तबीयत खराब थी, मम्मा को अंडा उबाल के दे रही हूँ। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।